सरोकार। भारत में 11 सितंबर को रहेगा एक दिन का राष्ट्रीय शोक। महारानी एलिजाबेथ के सम्मान में आधा झुका रहेगा राष्ट्रध्वज। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक फिरोजाबाद पहुंचे, भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वामी आनंद गिरी की जमानत अर्जी खारिज, आरोपी आनंद गिरी को हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका। भारत में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जारी किया टेंडर, हाई स्पीड ट्रेनों के लिए व्हील प्लांट और व्हील बनाने को दी अनुमति। हाथरस केस में हिंसा भड़काने की साजिश के आरोप में पत्रकार कप्पन को 2 साल बाद मिली जमानत। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, आइए नजर डाल लेते हैं। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गाजीपुर पर रहे। इस दौरान सीएम ने गाजीपुर के पीजी कॉलेज के संस्थापक बापू राजेश्वर सिंह की मूर्ति का अनावरण किया। इसके साथ ही सीएम ने वृक्षारोपण कर कॉलेज प्रांगण में जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का सपना साकार हो रहा है, अब नए यूपी में विकास हो रहा है। जौनपुर में सीएम योगी दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया और जनता को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि जौनपुर विकास के साथ आगे बढ़ रहा है, हमारी सरकार पीएम मोदी का सपना साकार कर रही है, यूपी सरकार ईमानदारी से विकास का काम कर रही है। कार्य प्रणाली को नजदीक से देखा है और विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ आगे जुड़ने और साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास को इस मंच के पीछे लगी हुई प्रदर्शनी के माध्यम से मुझे देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जौनपुर अब नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश का विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी से आगे बढ़ता वाला एक जनपद है। अयोध्या में सीएम योगी के निर्देश के बाद अब राम नगरी में 1080 मठ मंदिरों को गृह से मुक्त कर दिया गया। आपको बता दें कि नगर निगम के अधिकारियों ने ऐसे मंदिरों की लिस्ट तैयार कर ली है जहां कर मुक्त करते हुए एक बार दक्षिणा लिया जाएगा। वहीं पार्षद ने अयोध्या राम धाम परिसर को ही टैक्स मुक्त कराने की मांग उठाई थी। साथ ही राम नगरी के संतों ने सीएम योगी को धन्यवाद कहा। मठ मंदिरों के साथ पूरे अयोध्या को कर मुक्त किया जाए, इसकी भी हम लोगों ने कल मांग रखी है। मठ मंदिरों पर शासन को भेजा गया है कि 1000 रुपये, 2000 रुपये, 5000 रुपये जैसा जो मंदिर हो उसके ऊपर वैसे टोकन मनी लिया जाए, जिसके लिए वो बिल सर्वे चल रहा है। हर वार्डों में मंदिरों का लगभग पूरा हो चुका है, शासन को गया है और मठ मंदिरों के ऊपर टैक्स लग जाएगा। उत्तर प्रदेश के गौरव माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने दोबारा जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी अयोध्या भगवान श्री राम लला का दर्शन करने आए और संतों की ये बहुत दिनों से मांग थी, उन्होंने उसको तत्काल अयोध्या के मठ मंदिरों को, धर्मशालाओं को कर मुक्त करने का आदेश किया। उसी क्रम में पत्राचार भी शासन से हुआ, उसकी कार्रवाई चल रही है, बहुत जल्द ही मठ मंदिरों को कर से मुक्ति मिल जाएगी। एक संत ही एक संत के दर्द को जानता है, वो पता है उनको कि किस प्रकार से मठ मंदिर चलते हैं और किन किन समस्याओं से उनको जूझना पड़ता है। ऐसी समस्या समझ करके ही योगी आदित्यनाथ जी, वो एक संत हैं और मठ मंदिरों के संबंध में जानते हैं, इसीलिए मठ मंदिरों के जो टैक्स माफ़ किए हैं वो बहुत ही प्रशंसनीय है और सम्माननीय है। ला...
लखनऊ में साफ सफाई के लिए नगर विकास मंत्री ए के शर्मा ने गाइडलाइन तय कर दी। आपको बता दें कि यूपी में सभी नगर निकायों की अब रैंकिंग होगी। 2 अक्टूबर से सभी नगर निकायों में किए गए कार्यों का परीक्षण किया जाएगा, जिसके बाद नगर निकाय मंत्री ए के शर्मा ने प्रदेश की नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारियों की एक दिवसीय कार्यशाला के दौरान इस बात की घोषणा की। उन्होंने सभी अधिशासी अधिकारियों को समय रहते लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। सुल्तानपुर में संविदा विद्युत कर्मी धरने पर बैठे हैं। आपको बता दें कि संविदा विद्युत कर्मियों का आरोप है कि काम करते समय उन्हें सुरक्षा किट प्रदान नहीं की जाती, जिससे आए दिन संविदा कर्मी घायल हो जाते हैं या तो उनकी मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ इन संविदा विद्युत कर्मियों का कहना है कि उन्हें समय से वेतन नहीं मिलता है। संविदा कर्मियों की मांग है जब तक उनको वेतन नहीं मिलता तब तक वो धरना प्रदर्शन करेंगे। कर्मचारी संघ का जिला उपाध्यक्ष सुल्तानपुर का, और हम लोग कल से यहाँ जो है धरने पर बैठे हुए हैं, अनिश्चितकालीन के लिए धरने पर बैठे हैं। हमारी 13 सूत्री मांगे हैं, जिन मांगों को जब तक कार्यदायी संस्था द्वारा और सक्षम अधिकारियों द्वारा संपूर्ण नहीं कराया जाता है तब तक हम इसी तरह धरने पर बैठे रहेंगे। और हमारे तरफ से हम लोग इसी तरह अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे, और लोग जो आम जनता है, जब विद्युत आपूर्ति बाधित होती जाएगी तो आम जनता को परेशानी बढ़ेगी, तब अधिकारियों को मजबूरी में कार्यदायी संस्था के खिलाफ कार्रवाई करते हुए हम लोगों की मांगों के विचारधाराओं पर आना। खबर गाजियाबाद से है, जहां डीएम और एसएसपी के नाम पर साइबर फ्रॉड की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि साइबर ठग अधिकारियों की प्रोफाइल लगाकर दूसरे अधिकारियों से अमेजॉन के गिफ्ट वाउचर मांगते थे। वहीं इस मामले की जांच साइबर क्राइम पुलिस और सर्विलांस पुलिस को सौंपी गई, जिसके बाद एसएसपी ने अपने ट्विटर हैंडल पर साइबर क्राइम से सतर्क रहने को कहा। इस तरह का समस्या खासतौर से डाटा, मोबाइल नंबर हम लोग का कई जगह प्लेटफॉर्म से मिल जाता है, उसके आधार पर कई लोग उसका मिसयूज़ करने के लिए करता है, और साथ साथ कभी कभी हम लोग जो मोबाइल नंबर्स का मोबाइल का भी हैकिंग हो जाता है। उस पर अपना कॉन्टैक्ट लिस्ट का उन लोग आईडी निकालता है, उस कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो जो लोग जानते हैं उनका सबका SMS और व्हाट्सअप करता है, व्हाट्सअप करके जानना वाला तरफ उन लोग बिहेव करते हैं। श्रावस्ती में एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख और कृषि निर्यात प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने जिले का निरीक्षण भी किया, साथ ही वहां स्थित गौशाला में गोवंशों के लिए सुविधा व्यवस्था को लेकर निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद गोवंशों को गुड़ चारा खिलाकर और फूल माला पहनाकर गौ पूजन किया। इसके बाद उन्होंने गौशाला में खाली पड़ी जमीनों पर वृक्षारोपण कराने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने पूरे उत्तर प्रदेश सरकार के हर मंत्रियों को इस आशय से निर्देश दिए हैं कि आप सरकार जनता के द्वार जाए, जिसके क्रम में है यहाँ उपस्थित है, इसमें निरीक्षण भी आता है, सुधार भी आता है, सुझाव भी आते हैं। हम आम आदमी के सुझाव लेते हैं, खास आदमी के सुझाव लेते हैं, गरीब आदमी के सुझाव लेते हैं, बड़े आदमी के सुझाव लेते हैं, हर वर्ग के लोगों का सुझाव लेकर के उसके बाद फिर हम इस जनपद की बैठक में जाएंगे, जहाँ पर जितने चेंजेस की आवश्यकता होगी, जितनी व्यवस्था की आवश्यकता होगी, जितनी कमियाँ होंगी उनको दूर करने के जो विषय होंगे उसका निस्तारण कराएंगे। खबर हमीरपुर से है, जहां जिला मजिस्ट्रेट ने कई पहल करते हुए अधिवक्ताओं के बीच अपने आदेश को संस्कृत भाषा में पढ़ा। बता दें कि अनुसूचित जाति का किसान अपनी जमीन को बेचना चाहता था, जिससे वो सरकारी कर्जे और अपनी बीमारी का इलाज करा सके। वहीं पूरे मामले की जांच SDM करवा जिला मजिस्ट्रेट ने किसान जमीन को बेचने की अनुमति दी। औरैया क्षेत्र के जसवंतपुर इलाके में नाबालिग लड़की के साथ कुछ दबंगों ने अभद्रता की, वहीं जब युवती के पिता को भी दबंगों ने पिटाई कर दी। इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की, जिसके बाद दबंग पीड़ित को धमकी दे रहे हैं। आपको बता दें कि युवती न्याय के लिए थाने में चक्कर लगा रही है। पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की, जिसके बाद पीड़ित ने भाजपा के वरिष्ठ नेता को अपनी आपबीती बताई, जिसके बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता ने पुलिस की कार्यशैली पर विरोध किया, जिसके बाद भाजपा नेता श्रीकांत पाठक ने चेतावनी दी है आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा।
इसलिए मजबूरी में हमारे समाज के लोग यहाँ आज इकट्ठे हुए और प्रशासन के लोग भी आए थे, उन्होंने वो आज हमारी मांग मान ली है। अपराधियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। बुलंदशहर के गोपालपुर में क्लासरूम में बैठे करीब 6 बच्चे अचानक बेहोश हो गए। वहीं इस घटना से बच्चों स्कूल में अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने बेहोश बच्चों को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल भेज दिया। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंचे एसडीएम और सीओ ने जांच के निर्देश दिए। आपको बता दें कि बेहोश होने का कारण जहरीली गैस मानी जा रही है। अभी हमने सुना है कि यहाँ से करीब दर्जन भर बच्चे बेहोश हुए हैं, क्या मामला है? करीब 5-6 बच्चे बेहोश हुए हैं। यहाँ पर आसपास जो फैक्ट्री एरिया है तो उसके जहरीले गैस निकलने की वजह से बच्चे बेहोश हो रहे हैं। आज ही निकली है, पहले से नहीं, वन वीक से चल रहा है, पर एक हफ्ते से एक दो बच्चे आज थोड़े 5-6 बच्चे गिर गए। शिकायत एक बार पहले की थी? हाँ, मतलब ये एक हफ्ते से चल रहा है। प्रेयर में एक दो बच्चा गिर रहा था तो हमें नॉर्मल लगा कि घर से खाना खा के नहीं आए, लेकिन आज ज़्यादा हुआ है तो हमने इस चीज़ पे। अमेठी में बच्चा चोर की अफवाहें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां स्कूल जा रही दो नाबालिग छात्राओं का आरोप है कि छात्राओं ने कहा कि कार सवार ने अपने साथ ले जाने की कोशिश की, वहीं स्कूली छात्राएं जान बचाकर भागने में सफल हो गई। छात्राओं ने स्थानीय लोगों को सूचना दी, परिजनों ने सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। रुको, कोई बचाने वाला नहीं है, कहाँ जाओगे भागकर? हमने घुराया सब लोग का तो रुक गया रास्ते में, तो वो भाग लिए। किधर से आ रहे थे वो लोग? कैसे बची आप? भाग लिए थे। भाग लिए थे? हाँ, साइकिल घुमा कर। वो लोग किस काहे से थे? मारुति ऊपर खुली थी। कितने लोग लगभग थे? 4। कहाँ पर पढ़ती हैं? मिडिल। कहाँ घर है आपका? कैसे बची आप? भाग ली थी। खबर लखनऊ से है, जहां पुलिस ने अपहरण की गुत्थी सुलझाते हुए कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। बता दें कि आरोपी पिछले 4 दिन से लापता फूड इंस्पेक्टर के बेटे का अपहरण कर लिया गया था। वहीं पुलिस ने बताया कि संपत्ति लालच में चचेरे भाइयों ने ही बच्चे की हत्या करवा दी थी। साथ ही अब पुलिस आरोपियों के निशानदेह पर बच्चे का शव बरामद करने में लग गई है। थाना चिन्हट पे वादी रवि पांडे द्वारा एक लिखित तहरीर दी गई। उस तहरीर पे उन्होंने बताया कि उनके चाचा वीरेंद्र कुमार का लड़का अमित पांडे उनके 4 साल के लड़के राम पांडे को लेके कहीं चला गया है। इस पे मुकदमा दर्ज हुआ 363 IPC में और CCTV कैमरे वगैरह खंगाले गए, काफी पूछताछ की गई। सारी चीजों से पता चला कि अमित पांडे जो है राम पांडे को लेकर कानपुर पे गए और उन्होंने उसका वहां गला दबा के उसकी हत्या की और उसके बाद शव को जो है गंगा नदी में फेंक दिया। इसमें जो अरेस्टिंग हुई है 9 तारीख को हुई है और इसके अलावा जो पूछताछ हुई उससे निकल के आया है कि कुछ पारिवारिक ईर्ष्या की वजह से पैसे की कमी को लेकर उसने ये हत्या की है। बाकी इसमें और कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं, SDRF की मदद ली जा रही है, शव अभी मिल नहीं पाया है और आवश्यक अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मऊ में घोसी विधानसभा क्षेत्र में आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेताओं ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें कि सभी कार्यकर्ताओं ने अपनी पार्टी के जिला अध्यक्ष को लिखित में इस्तीफा सौंप दिया है। जिला अध्यक्ष हैं हमारे, जिला के वो जिला उपाध्यक्ष हैं हरिकेश जी, तमाम कार्यकर्ता हैं जो कि आज पार्टी से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं और मुझे इस्तीफा दे रहे हैं कि आप कार्यालय तक पहुंचा दीजिएगा। हाँ, बात सही है, हमने तो उसका पूरा हिस्ट्री का पता लगा कर ये अपनी बात कहा कि वो मुख्तार अंसारी का शूटर है और सारे मुख्तार अंसारी के कार्य का वो जो है संचालन करता है, ये मैं जानकर कहा। और ये भी कहा कि ओम प्रकाश बिहार, चूंकि जात का बिहार है मगर लोग राजभर कहते हैं, ओम प्रकाश बिहार उर्फ राजभर हैं, युवा मंच के जिला अध्यक्ष हैं हमारे, जिला के वो जिला उपाध्यक्ष हैं हरिकेश जी, तमाम कार्यकर्ता।
बिजनौर के गांव मिर्जापुर बेला में शिक्षा मित्र ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। शिक्षा मित्र की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जिसके बाद पुलिस की घटना जांच में जुट गई है। कारण तो ये जी कारण का हमें क्या पता, लेकिन घर से स्कूल में आया, स्कूल से अपना यहाँ आया, कैसा आया क्या आया स्कूल से पता नहीं, हमें कोई जानकारी नहीं। क्या नाम है इनका? कौशल सिंह। कहाँ पर ये पद, कौन से पद पर ये हैं? शिक्षा मित्र। अच्छा, सुबह स्कूल के लिए आए थे? सुबह स्कूल में ही आया अपने गांव में, स्कूल में ही, गांव के स्कूल में। अच्छा अच्छा, और स्कूल से यहाँ कैसा आया, किस बात थी, किस तरह से आया, ये हमें भी जानकारी नहीं है। गोरखपुर के जमीनुया गांव में प्रेमी के साथ मिलकर एक महिला ने अपने पति की हत्या कर दी और शव को गांव से कुछ दूर नहर के किनारे धान के खेत में फेंक दिया। वहीं शव की पहचान होने के बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताई, जिसके बाद परिजनों ने प्रेमी को पुलिस के हवाले कर दिया, जिसके बाद पुलिस घटना की जाँच में जुट गई है। थाना गुलरिया के ग्राम जमुनिया में एक शव प्राप्त हुआ था। पोस्टमार्टम के बाद उसमें चोट पाई गई सिर में, उसकी जांच की गई। मुकदमा कायम करने के पश्चात विवेचना से ये पाया गया कि मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी ने मिल करके उसकी हत्या की है। दोनों लोगों को आज गुलरिया पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। ये दोनों लोग अपनी घटना को स्वीकार कर रहे हैं और पूरा विवरण बता रहे हैं। पति इनका शराबी था, जिसकी वजह से इन्होंने अपने प्रेमी के साथ मिल करके उसकी हत्या करा दी। खबर अलीगढ़ से, जहां दबंग पड़ोसियों ने एक परिवार वालों के साथ मारपीट की। वहीं पीड़ित पक्ष ने थाने में मुकदमा दर्ज कराकर आरोपियों के सख्त कार्रवाई की मांग की। बता दें, सूचना पर पहुंचे पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। कौन सा थाना लगता है आपका? क्या हुआ है, क्या ये किससे चोट कैसे लगी है सभी लोगों के? रात को मैं बच्चे में मचोदी हो गई थी, रात को हमला पड़ रहा बंद, हमें कोई नहीं लड़ने की, और इनका सारा प्लान रात को बने, हमारे बच्चे काम पर चले गए रहने वाले, और कोई बच्चा जी दो तीन बाप बेटा बचे, ऐसा गर्दा आया एकदम से सबन का, और चार घरों का गर्दा, सारे में मेरे बच्चों पर लत पड़ाए, कहीं पर फरसा, कहीं पर कट्टा, कहीं पर लखनाई, और इसके फरसा मारा नाजिम के, और उसे जो दोनों बच्चे वो बेहोश होकर गिर पड़े नीचे। कौन लोग थे? आपका कहाँ रहते हो आप? मुन्नी खान नाम है मेरा, नौ मार्जिन पर मैं रहता हूँ। थाना कौन सा लगता है? जोराबर। क्या हुआ है, ये कैसे चोट लगी है सभी? रात को मौचौदी हो गई इन बच्चों में, और फिर सवेरे को उनने मीटिंग मिला के पूरे खानदान ने हमारे घर पे आके लट्ठ बजाया, हलवाई डोड़ियों में सब में। कौन लोग थे ये? ये एक छोटे रईसा, दो लड़के सहीसा के, एक शाहिद, एक राहित, और एक छोटे का लड़का अबराज। कहाँ रहते हैं ये सब? और सरपू। खबर अलीगढ़ से, जहां गणेश प्रतिमा विसर्जन को लेकर दो दिनों तक रामघाट रोड पर रूट डायवर्जन के चलते कड़ी व्यवस्था की गई। वहीं एसपी ट्रैफिक ने बताया कि आज और कल विसर्जन के चलते नरोरा घाट रामघाट रोड पर भारी वाहनों, रोडवेज बसों की प्रतिबंध कर दिया गया, जिससे भक्तों में किसी की भी समस्या का सामना न करना पड़े। कल भी होना है तो मोस्टली यहाँ से जो विसर्जन होता है वो रामघाट रोड पे जा करके और नरोरा घाट पे और राजघाट पे वहाँ पे करते हैं, तो इस रोड पे भारी वाहनों और रोडवेज बसों को डाइवर्ट किया गया है। इसमें कम से कम यातायात रहे और मूर्ति विसर्जन के जो वाहन है वो आसानी से सुचारू गति से जा सकें। नहीं नहीं, भारी वाहनों पर ही बैन लगाया गया, फोर व्हीलर पर नहीं है। आवश्यकता अनुसार फिर यदि ट्रैफिक बढ़ेगा तो फिर आवश्यकता अनुसार। प्रयागराज में 10 दिवसीय पूजन के बाद आज धूमधाम से गणपति का विसर्जन किया गया। आपको बता दें कि डीजे की धुन पर थिरकते युवाओं ने गणपति का विसर्जन किया, साथ ही युवाओं ने अगले बरस जल्दी आना के जयकारे लगाते हुए एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर गणपति को नम आंखों से विसर्जित कर दिया। भगवान गणपति हमारे समक्ष साल भर के अंतर्गत में एक बार दर्शन के लिए आते हैं, और हमारे समस्त राष्ट्र में उनकी मान्यता दी गई है, और जो है भगवान का पूजन पाठ करने से अनेक मनोकामना सिद्ध होती है।
सोनभद्र में बारिश जिले के लोग परेशान हैं। वहीं पूर्व विधायक रूबी प्रसाद ने रेड क्रॉस सोसाइटी के लोगों को पॉलिथीन वितरण किया, जिसके बाद लोग काफी खुश नजर आए। आपको बता दें कि लोग बरसात से बहुत परेशान हैं, साथ ही बरसात की वजह से लोगों के घर गिर गए। वहीं लोग बेबस और बेसहारा हो गए, जिसके बाद विधायक ने आवास योजना का लाभ देने की भी बात कही। मथुरा में चौमुहा कस्बा के पास सहकारी बैंक में दिन दहाड़े चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। आपको बता दें कि चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके बाद पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।